गुड मॉर्निंग टू ऑल. टुडे इज सैटरडे, सो एवरी सैटरडे वील बी सेंडिंग यू अ स्लाइड ऑफ 5 सेंटेंसेज, 5 डेली यूज सेंटेंसेज दैट यू कैन लर्न एंड ऑल्सो यूज डेली विद योर पेरेंट्स, विद योर रिलेटिव, विद योर फ्रेंड्स, राइट? सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल. ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस इज इट्स गेटिंग हॉटर डे बाय डे. ये सेंटेंस आप तब बोलोगे जब आपने कहना है कि दिन ब दिन बहुत गर्मी हो रही है ना अभी. तो ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो, इट्स गेटिंग हॉटर डे बाय डे. नेक्स्ट इज माय पेरेंट्स विल नॉट लेट मी प्ले. मेरे मम्मी पापा मुझे खेलने नहीं देंगे. ओके, व्हेन यू वांट टू से दिस यू विल से माय पेरेंट्स विल नॉट लेट मी प्ले. नेक्स्ट इज माय मदर हैज़ टू कुक फूड. मेरे मामा को खाना बनाना है. ओके, जब भी कोई पूछे आपसे कि आपके मामा पार्टी में क्यों नहीं आए, आपके मामा हमारे घर क्यों नहीं आए आपके साथ, है ना, देन यू कैन से माय मदर हैज़ टू कुक फूड. मेरे मामा को खाना बनाना है इसलिए वो नहीं आए हैं. ओके, नेक्स्ट देयर इज नो फ्लो इन योर वर्क. आपके काम में कोई कमी नहीं है. ओके, जब भी आपने किसी को कहना है कि आपके काम में कोई कमी नहीं है, आपका काम तो परफेक्ट है, यू कैन से देयर इज़ नो फ्लो इन योर वर्क. नेक्स्ट इज देयर इज़ नो नीड टू ईट बर्गर. ओके, जब भी आपने किसी को कहना है कि आप घर का खाना खाओ, आपको बर्गर खाने की क्या ज़रूरत है, आपको बर्गर नहीं खाना चाहिए, ओके, ऐसा कुछ कहना चाहते हो, देन यू कैन से देयर इज़ नो नीड टू ईट बर्गर. You can eat healthy food. आप healthy food खाओ, burger खाने की कोई ज़रूरत नहीं है. Okay? There is no need to eat burger. So learn these 5 sentences and also use it in your daily life and improve your speaking skill. That's all for today. Thank you. Have a nice day.